वेलकम टू माय ब्लॉग। देख सकते हैं आप, ये भरतखंड का किला जिसे बैरम सिंह ने बनाया था। चलो ये इसकी एंट्री का गेट आगे दिखाते हैं आप सबको। अलग ही कहानी है ये पूरा का पूरा, जो भी आप देख रहे हैं देख सकते हैं आप, ये भरतखंड का किला अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखते हुए। इसमें सुर्खी चूना था और राख का प्रयोग किया गया इसको बनाने के और इसको बनाने की अलग ही। देख सकते हैं आप, ये 18वीं सदी की बात है। देख सकते हैं भरतखंड का किला, कारीगर थे बखास भरतखंड है, उन्होंने इसका निर्माण किया था। एक बात और कहने वाली है कि इसमें देख सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी दी हुई है। ये देखिए कितनी मजबूत सीढ़ी बनाया था। ओहो हो, बहुत ही कम, ना जाने कितना असर फूटा होगा इसमें। ओह माय गॉड, ह्यूज, क्या नज़ारा आया, क्या घर रहा होगा इनका। ये देखिए, वाह, अति सुंदर। लेकिन या तो ब्लॉगिंग करी ली है या तो चली ली है। अब यहाँ से वापस जाते हुए हम सब बहुत ही अच्छा लगा घूमते हुए। थोड़ा नीचे से भी दिखाएंगे आप सबको। क्या है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हेलो मिस्टर, क्या है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या है ये? अरे तो ब्लॉग माँ बिरल से बताओ, किसका किला है? राजा बैरम सिंह का किला है ये, काफी पुराना है। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या है। शायद आज पहली बार आ रहे हैं हम सब यहाँ, है ना? गुरुसेन कक्ष। ठंडा जगह लेकिन। देखो यहाँ पे सांप वगैरह भी हो सकता है, थोड़ा संभल के। हाँ, निश्चित। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये जगह जो है लग रही है, एक मिनट, अच्छा दिखाई दे। ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पे बैरम सिंह यज्ञ वगैरह या पूजा पाठ करते थे। ये देखिए यहीं पे आग वगैरह, ये देखिए इसके सारे किनारे बॉर्डर पर जैसे लगल नकाशी इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए बिल्कुल बना हुआ है मंडप के आकार का चारों तरफ। वाओ, व्हाट अ प्लेस। देख सकते हैं आप, चलिए यहाँ से बाहर निकलने का समय हो चुका है। आप सब कुछ इतना दिखा सका हमने दिखाया। देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, बाहर जा रहे हैं बाहर से इसका कुछ ऐसा।